जय हिंद दोस्तों। वीर चक्र मरणोपरांत विजेता की विधवा पत्नी भारतीय सेना में शामिल हो गई है। गालवान घाटी में हुए संघर्ष में नायक दीपक सिंह वीरगति को प्राप्त हुए थे। अब उनकी पत्नी ने अधिकारी के रूप में भारतीय सेना ज्वाइन कर ली है। लेफ्टिनेंट रेखा सिंह की पोस्टिंग सेना के फायर एंड फ्यूरी क्रॉप्स के त्रिशूल डिवीजन में हुई है। बता दें कि त्रिशूल डिवीजन पूर्वी लद्दाख के लिए जिम्मेदार है। शहीद दीपक सिंह को मरणोपरांत वीर चक्र से सम्मानित किया गया। दीपक सिंह बिहार रेजिमेंट की 16वीं बटालियन में नर्सिंग सहायक के रूप में कार्यरत थे। चीन के साथ झड़प के दौरान नायक दीपक सिंह करीब 30 जवानों की जान बचाई थी। दावा किया जाता है कि दीपक ने न सिर्फ अपने देश के सैनिकों का इलाज किया था बल्कि उन्होंने युद्ध में घायल हुए चीनी सैनिकों का भी इलाज किया था। करीब 3 साल पहले भारत और चीन ने लद्दाख में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में एक दूसरे पर घुसपैठ करने का आरोप लगाया था। यह चीनी सैनिक भारतीय सीमा के अंदर कई किलोमीटर तक घुस आए थे। यहां तक उन्होंने टेंट खाइयां और अपने भारी हथियारों भी भारतीय इलाके में तैनात कर दिए थे। चीन की हरकत के बाद भारत भी एक्शन में आ गया। उसने भी भारतीय सेना के हजारों सैनिकों को मौके पर तैनात कर दिया। भारतीय सेना भी अपने उन्नत हथियार लेकर मौके पर पहुंची थी। जून 2020 में दोनों देशों के बीच हाथापाई और हिंसा भड़क गई। झड़प में भारतीय सेना के 20 जवान वीरगति को प्राप्त हो गए। इन्हीं 20 भारतीय जवानों में दीपक सिंह भी वीरगति को प्राप्त हुए थे। साल 1962 में चीन से हुए युद्ध के बाद लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल का निर्माण किया गया था। लाइन चीन और भारत की सीमाओं का निर्धारण करती है। घाटी पर भारत और चीन दोनों अपना दावा करते हैं। चीन और भारत के इलाके के पास गालवान स्थित है जिस वजह उस इलाके पर चीन ने अपना दावा करता है, इसलिए क्षेत्र विवादित है।